और जनता को समय को सभी सिस्टर लोगों को कुछ क्षणों में इस नए नृत्य के साथ सभी गुरु के बहुत नर्तक और आदरणीय विश्व स्वामी का स्वागत करते हुए और गुरुओं के पटल मुख्य द्वार के सामने
खड़े रहने के बिशप स्वामी और सारों सहकर्मी उनके बीच में से सामने आएंगे और उद्घाटन समारोह का शुभारंभ होगा। यह नवीनीकृत और इसके बाद मुख्य द्वार का विलय तालियां बजाए सब लोग। रिबन काटी गई है, उद्घाटन हो चुका। प्रवेश और सर्वशक्तिमान ईश्वर की महिमा के लिए यह मुख्य प्रवेश द्वार आलय और पवित्रीकृत किया जाता है। आप सदा और सर्वदा आमीन। पवित्र आत्मा का वर्षाओं के लिए गीत गाते हुए के नाम पर एक नवीनीकृत किया जाता है। आप सदा और सर्वदा आमीन। सबको जय यीशु। प्रभु का वचन कहता है भागे का ग्रंथ अध्याय 2:9। इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा। विश्व मंडल का प्रभु का यह कथन कहता है और मैं ये स्थान पर शांति प्रदान करूंगा। विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है। जी हां प्यारे दोस्तों, ईश्वर का धन्यवाद देता हूं जिसके 80 कृपा से आज इस जारवंडी बारिश में इतना भव्य और मनोहर चर्च का निर्माण हुआ है। बहुत ही खुशी और गर्व का बात है। उसी खुशी में हम सभी सम्मिलित होते हुए इस पुण्य समारोह में हमारे बीच पधारे बिशप मार एफ्रेम एवं प्रोटो सेंजलोस रेवरेंड फादर वर्गीस पुदुपरंबिल को स्वागत करता हूँ। एक विधाजी के समान हमेशा मुझे एक आघात तथा अपने प्रार्थना के जरिए मुझे इस चर्च का निर्माण की शुरुआत से लेकर अभी तक मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन करते रहे। इस बड़ी सहयोग के प्रति पिताजी आज मैं इन सभी प्रभावों के प्रति खुशी और आनंद के साथ इस बारिश की ओर से और सभी की ओर से दिल की गहराई से धन्यवाद देते हुए आज के इस महापुण्य समारोह में आप हार्दिक स्वागत करता हूँ। बिशप जी आपका स्वागत।
धुलवारी में ये गुलाब का फूल इतना सुंदर था कि उसे नजरों से नजर मिलकर देखना पड़ा। हमारे परिजनों में इतना प्यार था कि उसे जाम से जारवंडी आने ही पड़ा। रेवरेंड फादर वर्गीस पुदुपरम्बिल का मैं हार्दिक हृदय भर भरा प्रेम से और दिल की उमड़ती खुशी के साथ इस महापुण्य समारोह में मैं इस बारिश की ओर से और सभी की ओर से कृतज्ञता पूर्व धन्यवाद देते हुए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फादर जी आपका मैंने तुने नहीं सुना बल्कि तुने मुझे सुना, इस कथन को पूरी करते हुए आज नव पुरोहिताए अभिषेक करने जा रहे प्यारे डीकन बर्नार्ड बुजुर्ग के लिए हम सभी प्रार्थना करते हुए डीकन बर्नार्ड को तथा उनके समस्त परिवारों के हर एक सदस्यों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए आज की इस महासमारोह में मैं इस पारिश की ओर से और सभी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस महापुण्य समारोह के और भी भक्ति और प्रार्थनामय जीवन बनाने के लिए दूर दूर से आए हुए तथा ये चर्च के निर्माण की शुरुआत से लेकर अभी तक सहयोग दिए एवं कठिन परिश्रम एवं पसीना बहाते हुए कड़ी धूप से अपने जीवन की परवाह न करते हुए निष्ठ एवं लगन के साथ अपने सेवाएं एवं मदद किए सभी भादरगण सिस्टरगण ब्रदरगण एवं इस पारिश के हर एक माता पिताओं युवक एवं युवतियों विशेष रूप से यहाँ के सभी सिस्टरगण एवं यहाँ के परिवार के हर एक सदस्यों सभी बच्चों जारवंडी के और कादली के लोग एवं उपस्थित अनुपस्थित सभी जनों को मैं धन्यवाद देते हुए आज मैं इस महापुण्य समारोह में अपने सभी को प्यार भरा दिल से धन्यवाद देते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ हम आज पहले परम प्रसाद लेने जा रहे हैं। हमारे सभी नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए आज मैं इन सभी को इस महापुण्य समारोह में स्वागत करता हूँ। आज मैं विशेष रूप से इन सभी उपकारियों को याद करना चाहता हूँ जो मुझे आध्यात्मिक एवं भौतिक रूप से अपनी सेवा दिए। उन सभी को प्रभु की भरपूर अनुग्रह मिलने के लिए प्रार्थना करते हुए मैं उन सभी लोगों को शुक्रिया आदर करता हूँ। और यदि मैं किसी को धन्यवाद एवं स्वागत करना भूल गया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ। पुनः एक बार सभी को धन्यवाद देते हुए आज के इस पुण्य समारोह में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबको धन्यवाद। प्रभु तूने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। क्योंकि इस देवालय ज्योति हो और इसमें रहने वालों का मार्गदीप हो आप सदा और सर्वदा।
समाचार घोषणा की याद दिलाती है। हे प्रभु, तेरे समाचार की घोषणा की जाने वाले वेदी आशीर्वाद हो और पिता पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर प्रतिष्ठित हो आप सदा और सर्वदा। आमीन। कृपया सब खड़े हो जाएं। मिसा बलिदान हम शुरू करते हैं इस आशीष के बाद। आशीष के बाद वचन वेदी से प्रार्थना की शुरुआत होती है। तो हमारे पूर्वजों को हम याद करते हैं, यहां पहली बार जिन्होंने पूजा किया था उनके अथक परिश्रम की शुरुआत है एक नए जिंदगी के साथ, एक नया जीवन क्रम के लिए। यह शुरुआत सिर्फ इस वेदी की नहीं, यहाँ के विश्वासियों की मंडली का भी है। हमें विश्वास में प्रेरणा दिए हमारे पूर्वजों को, माता पिताओं को, विश्वास के हमारे संरक्षक संतों को हम याद करते हैं। Yeah.
सर बना दे और तेरे ज्ञान की ज्योति से हमारी आत्माओं को ज्योतिर्मय कर दे। हमें इतनी शक्ति प्रदान कर कि हम तेरे कलीसिया को पवित्रता में परिपूर्ण बनाए, इस पवित्र धर्म विधि को श्रद्धा भक्ति से अनुष्ठान कर सके और जीवन भर तेरे पवित्र कलीसिया में नम्रता के साथ सेवा कर सके। हे सबके प्रभु सदा और सर्वदा। ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह के पवित्र लहू से मुक्त की कोई कलीसिया में तेरे इस निवास स्थान को साबित कर और तेरे पवित्र शरीर और रक्त को वहन करने वाले भिड़वेदी को पवित्र बना दे। हे सबके प्रभु सदा और सर्वदा। आमीन। उसी तरह तेरे सम्मान में हमारे द्वारा निर्मित इस आलय में तू बस जा। सियोन की अठारी में जैसे प्रेरितों पर पवित्र आत्मा का आगमन हुआ था, वैसे तेरे पवित्र आत्मा के आभास से इस देवालय को भर दे। तेरे मसीह के पवित्र शरीर और रक्त के रहस्यों द्वारा जो हम इस बलिवेदी पर चढ़ा रहे हैं, तेरे सेवकों के पाप क्षमा की जाए। हे सबके प्रभु अब सदा और सर्वदा। आमीन। ओ भाइयों का साथ रखना कितना भला और कितना सुगत है। मसीह द्वारा कलीसिया को सुख शांति कितना महान है। यह सिर पर सुगंध तेल जैसा है जो हारून के नाड़ी पर उतरता है, जो उसके कुर्तों से धरती तक उतरता है। मसीह द्वारा कलीसिया को प्रदत्त सुख शांति कितना महान है। यह हर्मोन पर्वत के ओस जैसा है जो सियोन के पर्वतों पर उतरती है, प्रभु वहाँ अपना आशीर्वाद प्रदान करता है। सदा सर्वदा बना रहने वाला जीवन मसीह द्वारा कलीसिया को शांति कितना महान है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। मसीह द्वारा कलीसिया को शांति कितना महान है। अब प्रार्थना करें शादी हमारे साथ रहे। हे भगवान ईश्वर पवित्र कलीसिया तेरे परम पवित्र पुत्र के दुल्हन है और तू उसे शाश्वत पवित्रता का परिधान पहना दे। कलीसिया में स्थापित बलिवेदी पर तेरे पवित्र आत्मा का आवास होने दे और उसमें से प्रवाहित जीवनदायी रहस्यों के द्वारा तेरे पवित्र चिन्ह से मुद्रित श्रद्धालु भक्तों पर अनुग्रह वर्षा दे। तेरे शाश्वत एवं परम पावन स्वर्गीय निवास स्थान का गुणगान करने वाले संतों को
दैवी अनुग्रह प्रदान कर हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे ईश्वर तेरे परम महिमा में तृत्व के सम्मान में हम यह धूप चढ़ा रहे हैं, यह पवित्र हो, यह तेरे लिए प्रतिदारित हो और इससे तेरे भक्तों के अपराधों को क्षमा प्राप्त हो, आप सदा और सर्वदा आमीन। प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आरोगित हो जाए, तब हम इस योग बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें, तेरे अनुग्रह सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकरी कलीसिया में हम तेरे सुधिगान और महिमा गाए, हे सबके प्रभु और सजन हार सदा और सर्वदा आमीन। कृपया सभी बैठ जाइए। धर्माधीक्ष स्वयं अपने के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम सब मौन रहकर श्रद्धा भक्ति के साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे करुणा और कृपा दानों की सहायता से देव इस देवालय और बिलवेदी से पवित्रीकरण की निर्मल प्रार्थना रूपी घर समर्पित करने के लिए मुझे योग्य बना दे। पवित्र और जीवनदाय रहस्यों के अनुष्ठान के लिए तेरे पवित्र नाम की स्तुति और सम्मान के लिए और तेरे सुधिगान पुत्र की आराधना के लिए इस देवालय और बिलवेदी पर पवित्रीकरण पूरा हो जाए। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो इतना असीम एवं मानव प्रज्ञा के परे है कि आकाश या मनुष्यों द्वारा निर्मित आलय भी तुझे समान नहीं सकते, पर भी हम दुर्बलों के संरक्षण के लिए इस पृथ्वी पर तूने हमें यह आलय प्रदान किया, तूने हमारे लिए स्वर्ग में बिना हाथों का परिश्रम से बना हुआ एक विशाल और पूर्ण भवन तैयार किया और हमारे प्रभु ईसा मसीह ने सबसे पहले हम सबों के लिए उसमें प्रवेश किया। तेरे सम्मान और सेवा में अलग किए गए आलयों में निवास करने का तूने दयापूर्वक निर्णय किया। हे प्रभु हम सब इस पल में तुझसे प्रार्थना और याचना करते हैं कि इस तरह तूने मूसा द्वारा प्रथम तंबू को अलग किया, सीमोन द्वारा सीयों के निवास स्थान को तैयार किया और तेरे अनुग्रही कलीसिया को पवित्र किया, उसी तरह इस आलय को भी पवित्र बना, एक मनमोहक स्थान तेरा निवास स्थान बने, तेरे तुदियों के पवित्र एवं जीवनदाय रहस्यों का यहाँ अनुष्ठान हो, निर्मल अंतःकरण और पवित्र विचारों से इनके अनुष्ठान करने वालों को शरण मोचन मिल जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के स्तुति हो, आराधना और महिमा अर्पित करते हो आप सदा और सर्वदा आमीन। तेल का आशीर्वाद है। तेल का विलेपन कलीसिया की परंपरा में नियमित और अभिषेक का माध्यम है। धर्माध्यक्ष अपने दाएं हाथ आगे बढ़ाकर तेल में क्रूस का चिन्ह बनाते हुए अभिषेक का प्रार्थना करते हैं। हम श्रद्धा भक्ति से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु पवित्र आत्मा के आगमन द्वारा इस तेल को दयापूर्वक आशीषित और पवित्रीकृत कर पवित्र करने वाले दिव्य रहस्यों के अनुष्ठान के लिए हे बलिवेदी और
गर्वेदी और तेरे नाम की स्तुति के लिए यह आलय भी इसके द्वारा अक्षम्पित और पवित्रीकृत हो। नम्रता और पवित्रता के साथ तेरे सम्मुख सेवा करने के लिए हमें योग्य बना दे। सभी स्वर्गीय सेनाओं के साथ हम तेरे स्तुति समय प्रतिष्ठा और आराधना समर्पित करते हैं। आप सदा और सर्वदा आमीन। इस बिलवेदी और इस आलय की आशीष एवं पवित्रीकरण के लिए जीवन और जीवनदाय सनी के चिन्ह से यह तेल आशीषित और पवित्रीकृत किया जाता है। आप सदा और सर्वदा आमीन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर पवित्र बिलवेदी का आशीष। पवित्र बिलवेदी परमेश्वर का सिंहासन है, वही सर्वशक्तिमान राजा का पावधान है। अब्राहम, इसहाक, याकूब और अन्य याहवे के पुरोहितों और पूर्व पिताओं का बलिवेदी के समान है। हम उन्हें याद करें। ईसा मसीहा के क्रूस एवं कब्र का प्रतीक यही वेदी है। इसी वेदी पर ईसा अपने आप को विश्वासियों को विभाजित करके देते हैं। आशीर्वाद क्रम में हम भागी हो। जीवनदाय रहस्यम अनुष्ठान और सर्वशक्तिमान ईश्वर की महिमा के लिए वह बलिवेदी आलय और पवित्र किया जाता है। आप सदा और सर्वदा आमीन। पिता के नाम पर आशीष। पवित्रीकृत नाम पर, पवित्रात्मक नाम पर पवित्रीकृत आप पुत्र के नाम पर वह नवीनीकृत किया जाता है। आप सदा और सर्वदा आमीन। दीवारों का विलेपन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वॉल। बिशप स्वामी पवित्र तेल से बलिवेदी के दोनों बाजू के और मुख्य द्वार के दोनों बाजू के दीवारों को आशीष देते हैं। पवित्र तेल के साथ धूप और पवित्र पानी भी दीवारों को आशीष देने के लिए उपयोग करते हैं। ईश्वर का आलय पूरी तरह है, सब दिशाओं से आशीषित और कृपाओं से अलंकृत है। यहाँ दोहराए जाने वाली प्रार्थनाएं प्रभु के लिए आनंददायक हो, उनकी महिमा के लायक हो। यही आशा से इस दीवारों के आशीष विधियों में, प्रार्थनाओं में हम सहभागी होते हैं। सहकर्मियों के सहाय से आशीष कार्य संपन्न होती है। पवित्र बेटी के दोनों बाजू में प्रार्थना की जाती है। अनुष्ठान और प्रशिक्षण ईश्वर के महिमा के लिए पितावह सर्वदा आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर
यह पवित्र स्थल अलग के और पवित्र किया जाता है आप सदा और सर्वदा। आमीन। पिता के नाम पर आशीष, पुत्र के नाम पर पवित्र और पवित्र आत्मा के नाम पर नवीनीकृत किया जाता है आप सदा और सर्वदा। आमीन। पवित्र स्थल अलग और पवित्र किया जाता है आप सदा और सर्वदा। आमीन। पिता के नाम पर एक आशीष, पुत्र के नाम पर एक पवित्र और पवित्र आत्मा के नाम पर एक नवीनीकृत किया जाता है आप सदा और सर्वदा। आमीन। दिलाने वाले उन्हें ईश्वर के संतान बनाने वाले कलीसिया के सदस्य बनाने वाले पवित्र आत्मा को ग्रहण कर उन्हें समाचार के साक्षी बनाने वाले और बपतिस्मा संस्कार प्रदान करने के लिए तैयार किया गया यह ज्ञान स्नान कुंड हम तुझे समर्पित करते हैं। इसे आशीर्वाद कर पौत्रीगण और पवित्र आत्मा के मुद्रित कर आप सदा और सर्वदा। आशीर्वाद दूसरे विश्वास इस दूस को देखेंगे और इससे शक्ति पाएंगे इसे प्रेरणा देखेंगे इसकी याद में इस शरीर को मैं इस जवाले को प्रतिष्ठित करता है आप सदा और सर्वदा। आमीन। लसी और धारण प्रकोष्ठ की प्रतिष्ठा इस जवाले में यीशु का शारीरिक उपस्थिति प्रकोष्ठ में है। देवालय में हर बार प्रवास प्रवेश करते हैं जिसमें प्रभु ईसा मसीह का सांसारिक संसारी संत है प्रभु परमेश्वर तो इस प्रकोष्ठ को आशीर्वाद है ताकि यह तेरे परमप्रिय पुत्र का निवासान बने बन जाए यह हमारे लिए तेरे कृपा का स्रोत एवं मुक्ति का आकार हो। इस प्रकोष्ठ को परमेश्वर के नाम पर मैं इस देवालय में प्रतिष्ठित करता हूँ तेरे
सुने पवित्र तुम्हारे मध्यम से मानव स्वभाव अपनाया रूपा भेद भोगते भोगते सुने अपनी माँ को हमारी की माँ बनाया उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं माता मरियम के प्रति शक्ति प्रकट करने के लिए उसकी ये जो प्रतिमा हम प्रदर्शित करते हैं उसे आशीर्वाद ऐसे प्रकारे की माता मरियम के समान हम भी जीवन के हर मध्यस्थ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा हमारे लिए प्रेरणादायक हो। हम तेरी स्तुति और आराधना करते हुए थारी खुश धोते धोते तेरी अंतिम यात्रा अत्यंत दारुण थी इसका मनन चिंतन करने के लिए हमने जो तस्वीर प्रतिमाएँ स्थापित किया है उन्हें आशीर्वाद दे और पवित्र कर तेरा क्रूस जो तेरे दुख भोग और पीड़ा सहन पर ध्यान करने के लिए हमें सहायता करता है हमारे लिए रक्षा केंद्र बने और नित्य आनंद के योग्य बने यहाँ प्रतिष्ठित होने वाले तस्वीर विश्वासियों को शांति और धैर्य प्रदान करे हे प्रभु तेरे दुख भोग और पीड़ा सहन के स्मरण दिलाने वाले इन तस्वीरों को आशीर्वाद दे क्रूस के रास्ता से होकर चलने वाले भक्तजनों को आशीर्वाद दे आज सदा और सर्वदा आमीन। मंदिर की प्रतिष्ठा की प्रार्थना। इस मंदिर और इससे जुड़ी सभी इमारतें पवित्र है, यह सिर्फ पवित्र कार्य के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। प्रभु शक्तिमान ईश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं और इस मंदिर के प्रति आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी कृपा से की यह संभव हुआ है। हम उन सभी को धन्यवाद स्वरूप याद करते हैं जिन्होंने इसके निर्माण में योगदान दिया है। हमारे भगारियों कर्मचारियों निर्माताओं और धन्य
अन्य सभी लोगों को आशीर्वाद दे और उन्हें शक्ति दे, उनके साथ रहे और उनके सभी प्रकार के प्रयासों में उनका मार्गदर्शन कर। हे प्रभु, पवित्र आत्मा का भंग होने वाले कोई भी कार्य यहाँ होने ना दे। यहाँ लोग जब प्रार्थना के लिए आते हैं तब तेरी उपस्थिति उन्हें मार्गदर्शन और प्रेरित करे। आप सदा और सर्वदा। आमीन।